25 तारीख थी, बड़ा हमको महसूस हो रहा था कि प्रोग्राम शायद मुंतवी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हालात बने थे। कल मैं उसी इलाके में था जहां पर कई लाख लोग पहुंचे थे, मगर मैंने पेशिन गोई की थी कि वन कुछ नहीं हो सकता। शोहरत छीन लेता है खुदा, एक मर्ज देकर सारी दौलत छीन लेता है। तकब्बुर करने वालों से वो शोहरत छीन लेता है खुदा, एक मर्ज देकर सारी दौलत छीन लेता है। हमारे देश की जनता भी कितनी भोली भाली है,
यहाँ का चाय वाला भी हुकूमत छीन लेता है, यहाँ का चाय वाला भी हुकूमत छीन लेता है। तो ये दौर जो चल रहा है उसके लिए मैंने गजल कही है, जरा सुनना। तर्ज देखना, दिलशाद तर्ज कंपोजिंग की जो, दिल किसी के लिए क्यों जलाए, दिल किसी के लिए क्यों जलाए, जलने वाले तो जलते रहे। पैसे भी नहीं लेते क्योंकि अल्लाह करम से खुद मालदार है, और जब नहीं मिलते तो मांग लेते, ये भी खूबी है। दौलत तो यही सब रह जाएगी, हम तो मर के चले जाएंगे, बेटे बीवी बच्चे सब यही खाएंगे, मगर हम यही कहते रहेंगे मंदिर वहीं बनेगा तो रोके कहूँ बनवा लो। फैजाबाद में कल मेरा गाना था, हमें बड़ा डर लग रहा था, मैंने कस्टमर से कहा भाई हमको 3 बजे रात में छोड़ दो। बोले क्यों? मैंने कहा भैया मेरा कानपुर जरा मामला दूसरा है। उसने कहा ठीक है शरीफ भाई, उसने 4 बजे सुबह हमें छोड़ दिया। अब जरा शेर सुनना, ये शेर वही हमने कहा था, सुनना। रास्ते की सभी बंदिशों को
जो लोग वहां पहुंचे ना सुनना कि मेरे दुश्मन अगर हाथ अपना कैद बनाने लौटी आए फिर अबे पहले संडास बनाओ अपने घर की रास्ते की सभी बंदिशों को तोड़कर कामयाबी मिलेगी मेरे दुश्मन अगर हाथ अपना मेरे दुश्मन अगर हाथ अपना मल रहे तो मल दे रहे कश्मीर अपने जहन में रख लो क्या कश्मीर वहां एक बच्ची का कत्ल हुआ वो बच्ची कै साल की थी 9-10 साल की अब बताइए वही ख्याल में मैंने ये शेर कह दिया पत्थर चलाए जमाना लाख पत्थर चलाए जमाना पेड़ फल वाले फल दे रहे पत्थर चलाए जमाना लाख पत्थर चलाए जमाना पेड़ फल वाले फल दे रहे बहुत गाता हूं गुजरात में कोई जगह बाकी नहीं है अल्लाह का करम है बहुत वहां की ऑडियंस चाहती है मैं कोई प्रोग्राम भी होता है सबसे फर्स्ट नंबर अल्लाह के करम से मेरे ही ऊपर आता है शरीफ परवाज तो वहां एक हादसा हुआ था वो जगह गोधरा छोटे छोटे बच्चों को जला दिया था औरतों को मारा था जलाया था तो वो जब मैं गोधरा गाने गया तो वहां मैंने गाया हजारों कत्ल के मुजरिम को एक दिन की सजा उसमें कल्याण सिंह एक दिन के लिए अंदर गए थे हजारों कत्ल के मुजरिम को एक दिन की सजा खुद इस सजा पे तो कातिल बहुत हंसा होगा सुन मुझे यकीन है कि उम्र कैद होगी उसे जब आसमां की अदालत पे फैसला होगा जब आसमां की अदालत में फैसला होगा
मन का सोचा सब लिख दूं तो कागज कम पड़ जाए, मन का सोचा सब लिख दूं तो कागज कम पड़ जाए। कत्ल हुए हैं चौराहों पर, खून की छींटे हैं बाहों पर, कातिल है पहचान का लेकिन किसको कौन बताए कागज कम पड़ जाए। कागज कम पड़ जाए, उसने उसका कत्ल किया है, हमको इससे मतलब क्या, किसने मारा कौन मरा है, हमको इससे मतलब क्या। एक कौवे को चोट लगी तो सारे कौवे चीख पड़े, एक परदेसी जख्मी पड़ा है, हमको इससे मतलब क्या। आप जरूर होते रहेंगे फिर भी चलती रहेगी खुदाई, क्यों लाख पत्थर चलाए जमाना, लाख पत्थर चलाए जमाना, पेड़ फल वाले फल दे रहे के बहुत बड़े शायर कहते हैं कि लाख पत्थर चलाए जमाना, पेड़ फल वाले फलते रहेंगे, इसको ज़हन में रखिएगा। रूमान की ये वादी, रूमान की ये वादी ख्वाबों की सरजमी है, जन्नत ख्वाबों की सरजमी है, ए रूमान की ये वादी ख्वाबों की सरजमी है, ये हुस्न का जजीरा जन्नत से कम नहीं है, ये देवताओं का घर ये देवियों का पंघर, उल्टा नहीं नजर से जलवों के सर से घूंघट, सीता ने इस महल में शमे वफा जलाई, खुदाद पद्मनी को शोलों पे नींद आई, मुमताज की जवानी एक ताज बन के निकली, झांसी की कोई रानी तलवार लेके निकली, उन महशों को अक्सर सपनों में देखता हूँ, बेताब होके अपने दिल में ये सोचता हूँ, ऐ काश मुस्कुराए फिर हिंद की जवानी, तलवार लेके निकले झांसी की कोई रानी, ये खतरे मुकद्दस बर्बाद हो न जाए, इस तुलसीता कमाली सयाद हो न जाए, हिंदोस्ता के दुश्मन जय चंद्र आज भी है, शैतान के ये काले फरसंद आज भी है, है तुलसीता हमारा हर तुलसीता से अच्छा, इकबाल कह गए सारे जहां से अच्छा। हम मुसाफिर हैं मंजिल की जानी, चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, शरीफ परवाज पढ़ने वाले सुनिएगा। ये मोहब्बत की नाकामियों का एक ऐसा फसाना है परवाज़,
पढ़ के रोता रहेगा जमाना, पढ़ के रोता रहेगा जमाना, सुन के आंसू निकलते रहेंगे। आशियाने पता